सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले KTM की सारी बाइक्स यहाँ पर लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसेस के बारे में, बिकॉज आपको पता है न्यू बाइक्स यहाँ आ चुकी है OBD2 BS6 फेस 2 कंप्लाइंट वाली, तो डेफिनेटली प्राइस जो यहाँ बढ़ चुका है बाइक्स का, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, हर एक मॉडल हर एक कलर के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट प्राइस लिस्ट में आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल लाइन, ये लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो लेटेस्ट लॉन्च है यहाँ पर KTM का, जिस विच इज द 390 एडवेंचर एक्स, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इस प्रकार से। इसका जो ऑन रोड प्राइस अभी आपको देखने को मिलता है 344,000 रुपीज़ आता है, 344,000 रुपये, ये आप देख सकते हैं 390 एडवेंचर एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट यहाँ पर बाइक आई है KTM की तरफ से। एंड इसका जो 390 नॉर्मल वाला वेरिएंट आता है उसका ऑन प्राइस आता है 418,000 रुपीज़, मतलब 418,000 रुपये। अब यहाँ चलते हैं ड्यूक सीरीज़ के बाद, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वन ऑफ दी इकोनॉमिकल बाइक्स KTM की सबसे सस्ती बाइक के साथ, जो कि है यहाँ पर ड्यूक 125। ड्यूक 125 का प्राइस हो चुका है लगभग 205,000 रुपये, 205,000 रुपीज़ इज़ नाउ द ऑन रोड प्राइस ऑफ KTM ड्यूक 125। अब अगर बात करें हम ड्यूक 200 के बारे में, तो कुछ यहाँ पर खड़ी है ड्यूक 200, मेरे हिसाब से अभी भी है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है इंडियन मार्केट में। इसका ऑन रोड प्राइस अगर मैं हम बात करें यहाँ पर ड्यूक 200 का, वो हो चुका है लगभग 225,000 रुपये, 225,000 रुपीज़, तो लगभग 2,000 रुपये महंगी हो चुकी है। पहले 223,000 रुपये की आती थी, अब 225,000 रुपये की आती है ऑन रोड जयपुर में बात करूँ तो। कुछ इस प्रकार से बाइक आती है हैलोजन हेडलाइट कस्टर के साथ, काफ़ी डिसेंट इंजन है, एक अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली बहुत ही एक शानदार वैल्यू फॉर मनी बाइक है, एंड मुझे पर्सनली बहुत ही एक अच्छी बाइक लगती है ये इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं ड्यूक 250 के बारे में। अगर आपको ड्यूक 390 वाला प्रॉपर यहाँ फील चाहिए, सिर्फ इंजन को अगर हम छोड़ दें, तो डेफिनेटली ड्यूक 250 एक काफ़ी अच्छा पैसा वसूल वेरियंट होगा, बिकॉज आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर LED हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलता है, 248.8 cc का इंजन आता है, साइड एग्जॉस्ट आता है, यहाँ पर मोनोशॉक आता है, रियर में अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम आता है। बस इसके अंदर एक छोटी सी कमी है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर ये चेंज हो जाएगा, शानदार बाइक हो जाएगी है। अगर हम यहाँ बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका ऑन रोड प्राइस अब हो चुका है 287,000 रुपीज़, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 287,000 रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस आता है ड्यूक 250 का। ड्यूक 390 अगर हम बात करें, तो ड्यूक 390 का प्राइस अब हो चुका है 365,000 रुपये, 365,000 रुपीज़। यहाँ पर ड्यूक 200 का एक और कलर मैं आपको दिखाता हूँ, ये नया वाला कलर है, मुझे पर्सनली काफ़ी एक अच्छा कलर लगता है, ये काफ़ी डिफरेंट कलर लगता है ऑरेंज वाले से, पर्सनली मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा कलर लगता है ये। एंड इसमें अगर व्हील्स ब्लैक कलर को जाए तो बहुत ही डिफरेंट लगेगी ये बाइक। सो KTM ड्यूक 200 का मैंने प्राइस आपको बता ही दिया, 225,000 रुपये उसका ऑन रोड प्राइस हो चुका है। अब अगर बात करें यहाँ पर RC 200 के बारे में, तो RC 200 के अंदर जो ये GP एडिशन है ना, ये तो मेरा फेवरेट है लिटरली। जो ये कलर दिया है ना, इतना अमेजिंग, एक प्रॉपर यहाँ पर MotoGP एडिशन कलर दिया है KTM ने, बहुत ही डिफरेंट एक कमाल की बाइक लगती है, आप देख सकते हैं प्रॉपर एक रेसिंग बाइक लगती है। यहाँ पर अगर हम बात करें RC 200 का ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका ऑन रोड प्राइस अब आपको देखने को मिलता है लगभग 252,000 रुपये, 252,000 रुपीज़। एंड यहाँ पर जो ओवरऑल लुक आता है वो तो शानदार आता ही है, जो इसका डिस्प्ले वो भी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, नॉन कलर्ड LCD डिस्प्ले जो आता है यहाँ पर, फ्यूल टैंक वगैरह की यहाँ पर फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, कलर स्कीम बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर RC 125 का अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, तो 216,000 रुपये हो चुकी है, और RC 390 की प्राइस हो चुकी है 394,000 रुपीज़, मतलब RC 390 ऑलमोस्ट 390,000 रुपये के ऊपर आती है। तो डेफिनेटली जो प्राइसेज हैं बाइक के काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। बाकी मुझे पर्सनली लगता है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो ड्यूक 200% है, बिकॉज यार 225,000 रुपये में बहुत ही प्यारा वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, एंड जो प्राइसिंग है इस बाइक की, क्वालिटी इस बाइक की चीज़ों के हिसाब से वो मुझे पर्सनली बहुत डिसेंट लगती है। बाकी अगर आपको सबसे सस्ता वेरिएंट चाहिए तो आप ड्यूक 125 ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप थोड़े और पैसे ऐड करो, सीधे ड्यूक 200 ले लो। बाकी अगर आपको सस्ता ड्यूक 390 वाला वेरिएंट चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ड्यूक 250 ले सकते हैं। बट ड्यूक 390 जो है ना, वो एक ऐसी कमाल की बाइक है कि आपको उस बाइक को लेने के बाद शायद ही कभी और बाइक चेंज करने का मन करे जल्दी, आप बहुत टाइम तक उस बाइक को चला सकते हो, बिकॉज उस बाइक के अंदर पावर बहुत अमेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें एडवेंचर सीरीज़ के बारे में, तो मेरे को लगता है कि जो KTM है उसने एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च कर दिया है एडवेंचर एक्स का। जो भी ड्यू एडवेंचर 250 लेना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पैसा ऐड करो और यहाँ पर एडवेंचर एक्स ले लो, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, एक हाई परफॉर्मेंस, हाई पावरफुल, कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर वाला एक शानदार आपको बाइक देखने को मिलती है। बाकी आपको यहाँ पर KTM की कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा शानदार लगती है कमेंट सेक्शन में बताएगा। मैं अगर अपनी फेवरेट बाइक बताऊँ KTM की, तो वो ड्यूक 390 है, बट अगर वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात करें तो ड्यूक 200 मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है, एंड सबसे ज़्यादा मैंने चलाई ही ड्यूक 200, तो मुझे पर्सनली इस बाइक के साथ कनेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपको यहाँ पर कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक जरूर करिएगा,
चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर दिखा देना लाइक दबाना बिल्कुल होगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिखा रहा है throttle_98 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। मिलते हैं आज तक वीडियो में, थैंक्स फॉर पावर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।